देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। आमतौर पर विमान में यात्रियों के लिए ले जाए जाने वाले सामान की वजन सीमा तय होती है। अगर इस सीमा से जरा सा भी वजन ऊपर होता है तो यात्रियों को एक्स्ट्रा पैसे चुकाने होते हैं, लेकिन कुछ यात्री इस एक्स्ट्रा बैगेज फीस को बचाने के लिए नई नई तरकीब निकाल लेते हैं। ऐसी ही एक तरकीब फिलीपींस की महिला ने निकाली। उसने एक्स्ट्रा बैगेज फीस बचाने के लिए अपने सूटकेस से 2.5 किलोग्राम वजनी कपड़े निकालकर पहन लिए। और हाँ, उसकी यह तरकीब काम भी कर गई। एक्स्ट्रा बैगेज फीस बचाने की यह तरकीब अपनाई फिलीपींस की गैल रॉड्री युगेज नाम की महिला ने। उसने 2 अक्टूबर को इस संबंध में फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। इसमें उसने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। इसमें उसने बताया कि वह एक एयरलाइंस की फ्लाइट से यात्रा करने एयरपोर्ट पहुंची थी। उसके पास कपड़ों से भरा एक सूटकेस था। चेक इन करते समय जब उसके सूटकेस का वजन किया गया तो वो 9.5 किलोग्राम का निकला, जबकि एयरलाइंस में यात्री को अपने साथ 7 किलोग्राम तक सामान निःशुल्क ले जाने की छूट थी। उसके ऊपर जरा सा भी वजन बढ़ने पर एक्स्ट्रा फीस देनी होती है। ऐसा ही एयरलाइंस कर्मचारियों ने गेल के साथ किया। उसने एक्स्ट्रा फीस मांगी गई, लेकिन गेल ने इससे इनकार कर दिया। एक्स्ट्रा फीस चुकाने से इनकार कर देने के बाद गेल ने नई तरकीब निकाली। उसने अपना सूटकेस खोला और करीब 2.5 किलोग्राम वजनी कपड़े और पहन लिए। इनमें 5 जोड़ी पैंट और टी शर्ट व शर्ट थे। इसके बाद सूटकेस का दोबारा वजन कराया तो वो तय सीमा से कम हो गया। इसके बाद एयरलाइंस ने उसे यात्रा करने की इजाज़त दे दी। गेल ने फेसबुक पर जो फोटो शेयर की है वो वायरल हो गई। उसे अब तक 35,000 लोगों ने शेयर किया है और 33,000 से भी ज़्यादा लोगों उस पर रिएक्ट कर चुके हैं।